लोग मुझे सड़क शेफ एक रीजन से बुलाते हैं, क्योंकि मेरी डिशेस दिल से तो होती है देसी बट विद अ टच ऑफ फिरंगी फ्लेवर्स। सो सरांश, आई एम टोटली इंस्पायर्ड बाय योर डिश। मैं एकदम कॉपीकैट करके, बिल्कुल सेम सॉसेस लेकिन फिरंगी ट्विस्ट में, फिरंगी सॉसेस। और हमारे फ्रेंड्स डेल मोंटे जो है ना, शायद उन्होंने ये पास्ता रिपब्लिक डे के लिए ही बनाया था, बिकॉज इट्स ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन। और ये जो डेल मोंटे का पेट्रियोटिक पास्ता है, इट्स इवन मोर पेट्रियोटिक, बिकॉज ये लोगों को अनहेल्दी नहीं बनाता है, लोगों को हेल्दी बनाता है, बिकॉज इट्स मेड ऑफ ड्यूरम व्हीट। तो सर, जैसे तुमने चावल पका के रखा था, राइट, मैंने पास्ता को पका के रखा है, एंड आई हैव अ जॉब फॉर यू। I'll do anything for my country and the dish that is being prepared. So, remember that part orange ke baare mein, about renunciation of disinterestedness or sacrifice for your country and all of that? Yeah, I remember. Very nice. Mujhe chahiye orange, white, green, separated. Okay? Do it for your country. Okay? Tab tak. Chabi lagaye. तब तक मैं बनाती हूँ एक सॉस जो शायद जो कॉन्टी खाना कहते हैं ना, कॉन्टी कॉन्टिनेंटल, उस खाने में, उस क्विजीन में शायद मदर सॉस होगा। बेशामेल सॉस के लिए हमें चाहिए इक्वल अमाउंट्स ऑफ बटर और मैदा। इससे बनाएंगे समथिंग दैट इज कॉल्ड अ रू। बटर जब मेल्ट होगा, हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून मैदा। रू का कलर बदल गया है, सो दैट मीन्स इट्स ट्राइंग टू एड द मिल्क। तो अब आप देखेंगे इसका मैजिक, क्योंकि ये जो पतला सा सॉस दिख रहा है ना, soon it's going to thicken into a beautiful rich thick white sauce. Chinu, tumhari favorite Republic Day ki movies kaun si hain jo tumhari country, you know which movie tumhari feeling jagati hain? I really love Rang De Basanti. Ooh, nice. Aur tumhari? One of my favorites is Laksh. Haan. Kyunki mujhe usme inspiration bhi milti hai aur ye inspiration dikhaiye ki someone who wanted to achieve something in life thought he could achieve by helping his country. Isko just boiling point pe lana hai aur tab tum dekhoge ki iska wo consistency jo hai, how it will change, wo thick ho jayega. So we just have to wait for that. So to tum check karna chahoge? Well done. Thank you. Quite quick also, yaar. See, wasn't it fun? So has my bechamel started boiling? जब आपका वुडन स्पून कोट होता है एंड ऐसा लाइन बनता है, तो इसका मतलब बेशमेल सॉस या व्हाइट सॉस रेडी। हम अगेन लाइक यू, मैंने तो ऑलरेडी एडमिट किया है, मैं कॉफी कर रही हूँ। एक में सैफरन दूध के साथ मिलाया है, कलर आ गया है, और एक में पालक का प्यूरे। ओके, तो इस बेशमेल सॉस को मैं इसमें डालूंगी। इसमें 2 चम्मच पालक डालो। ओके, 2 चम्मच पालक फॉर द ग्रीन साइड ऑफ द फ्लैग। मैं केसर डालने वाली हूँ। व्हाइट सॉस को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे पास जो है वो ग्रेटेड गूडा चीज है। सॉल्ट। अच्छा, तो ये रेडी है। तुम्हें पता है नेहरू जी की फेवरेट डिश कौन सी है? नहीं, वो तो पता नहीं है। गेस करो, गेस। उनको बच्चे अच्छे लगते थे तो शायद केक। गुड गुड आइडिया, बट नो, वो इंडियन डिश थी। इंडियन? अच्छा, तुम इतने प्राउडली पूछ रहे हो, तो बटर चिकन तो नहीं था? वेरी क्लोज, वेरी क्लोज।
चिकन सही है लेकिन बटर चिकन नहीं है, वो बटर तंदूरी चिकन। नाइस, वेल डन। नेहरू जी की फेवरेट डिश है तंदूरी चिकन। वाओ, आई डिडंट नो दैट। अच्छा, ये जो पास्ता तुमने पेनस्टेकिंगली सेपरेट किया है, अब चीज सॉस में व्हाइट पास्ता और ऑरेंज सॉस में ऑरेंज पास्ता, ग्रीन सॉस में ग्रीन पास्ता। एग्जैक्टली। और इस साइड में हमारा ब्यूटीफुल स्पिनच ट्राई कलर पेट्रियोटिक पास्ता। वाह जी वाह। ऑलिव, डन। बेशमल ट्राइकलर पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले बेशमल सॉस बनाएं। उसके लिए एक पैन में बटर, मैदा, मिल्क, सॉल्ट डालें और थिक होने तक पकाएं। अब एक दूसरे पैन में पालक प्योरे को बेशमल सॉस में मिलाएं और डेलमोंटे स्पाइरली ग्रीन पास्ता और गौडा चीज को ऐड कर लें। फिर एक दूसरे पैन में बेशमल सॉस में सैफरन का पानी, ऑरेंज डेलमोंटे स्पाइरली पास्ता और गौडा चीज को ऐड करके मिलाएं। अब एक तीसरे पैन में बेशमल सॉस में गौडा चीज और डेलमोंटे व्हाइट पास्ता ऐड करके मिला लें। तीनों पास्ता को एक बोल में लाइन से डालें और ऑलिव से गार्निश करके बेशमल ट्राई कलर पास्ता सर्व करें। तो चीनू, इतना अच्छा दिन है, इतनी अच्छी अच्छी डिशेज बनाई है, बट बिना मीठे के कोई भी फेस्टिवल नहीं बन सकता। Exactly. और even though Republic Day is not really a festival, but it is like a holiday. It's a holiday. So, okay. So कुछ मीठा हो जाए। हो जाए। Cool. Come on. It's a pretty pink color. I know. Same pretty pink.